यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, BS6 Tech Under सीरीज में आज हम जानेंगे एक्टिवा 6G के फ्यूल फिल्टर रिप्लेसमेंट का प्रोसेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जहां अन्य गाड़ियों में फ्यूल पंप फ्यूल टैंक के अंदर होता है, इस स्कूटर में फ्यूल पंप बाहर लगा हुआ है, जिसे निकालने के लिए पहले इस 10mm नट को खोलना होगा, फिर पंप के कपलर को निकालेंगे। अब इस फ्यूल पंप को यहाँ से रिमूव करेंगे। फ्यूल पंप कवर को ओपन करने के लिए इस स्पेशल टूल का इस्तेमाल करना होता है, जिसे फ्यूल फिल्टर केस रिमूवर कहते हैं। फिल्टर केस के तीनों पॉइंट्स पर इस टूल को इस तरह लगाकर इस कवर को निकाल लेंगे। इसमें रबर का ओ रिंग दिया है, जिसे कवर निकालते समय ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसके खराब होने पर फ्यूल लीकेज होने के चांसेस होते हैं। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस फ्यूल फिल्टर को निकाल लेंगे। फ्यूल फिल्टर के अंदर भी एक स्मॉल ओ रिंग है। फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करते समय इस रिंग को भी रिप्लेस करना होता है। अब हम फ्यूल फिल्टर इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैकेनिक टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। फ्यूल फिल्टर पर एक टीथ जैसा पार्ट बना होता है। फिटिंग करते समय इस टीथ को केस के होल से मैच करना होता है। अब फिल्टर को क्लॉकवाइज घुमाकर देखेंगे। नहीं घूम रहा, मतलब फिल्टर सही से बैठ गया है। अब इसके ऊपर एक नया ओरिंग लगाकर इस पर केस को ऐसे प्रेस करके फिक्स कर देंगे। नया फ्यूल फिल्टर लगाने के बाद आखिरी स्टेप में हम फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग के ऊपर पहले ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्यूल प्रेशर गेज को कनेक्ट करने के बाद इग्निशन ऑन करेंगे। फ्यूल का प्रेशर 262 से 315 किलो पास्कल होना चाहिए और हमें लगभग 270 किलो पास्कल की रीडिंग मिल रही है, जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आप भी एक्टिवा 6G के RPM फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो फिकर ना करें, हमने पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, उसे जरूर देखें। साथ ही मैकेनिक टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।